हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेलो विक्टिम। तो सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्किप फिश के बारे में। ये कलनेस का एक प्रे इंस्टॉल टूल है। अगर आपके में प्रे इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे गिटहब या फिर किसी भी गूगल कमांड से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कलनेस में। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। स्किप फिश एक वेब सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया एक टूल है, जिससे आप सामने वाले वेबसाइट का आप उसके में क्या सिक्योरिटी खामियाँ हैं एंड कितने उसके में प्रॉब्लम्स हैं, जिसके हैकर्स उसको अटैक कर सकते हैं, तो ये सब के बारे में पता लगा सकते हैं। और आप इसकी फिश के बारे में अच्छे जान जाएंगे तो अपने साइट को आप सिक्योर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं इस वीडियो में पूरे तरीके बताऊंगा किस तरह अपने साइट को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह उसके बग को निकाल सकते हैं। तो चलो गाइस, वीडियो को चालू करता हूं। और इस टूल में आप सामने वाला टारगेट वेबसाइट का एक साइट मैप भी तैयार करते हो इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो चलो गाइस, आ चुका हूँ मैं अपने डेस्कटॉप पे। सिंपली यहाँ पर मुझे टर्मिनल ओपन कर लेना है एंड ऊपर से एप्लीकेशन लेयर भी जाके आप वहाँ से सर्च मार सकते हैं इसकी फिश, या फिर आप टर्मिनल में इसकी फिश -h लिखकर आप इसे ओपन कर सकते हैं। -h जरूर लिखना एंड देख सकते हैं इसकी फिश का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको बहुत सारे यूजिंग कमांड्स मिल जाएंगे किस तरह इस फिश को यूज करना है, सारे हेल्प हैं। तो बिल्कुल इसको रीड करना है। रीड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। मैं सिंपली सबसे पहले अपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने टर्मिनल को रूटेट कर लेता हूँ। अगर पहले से तो रूटेड है तब नहीं भी कर सकते हैं, शुरू एशो करके मैं टर्मिनल को रूटेट कर लेता हूँ। इससे पहले आपको बताता हूँ क्रोम ब्राउजर के अंदर भी इसकी फिश की कुछ डिटेल दिया गया है। इस वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, तब यहाँ जाके बिल्कुल बार चेकआउट करना। तो चलो मैं अपने टर्मिनल पर चलता हूँ एंड यहाँ से मैं अपने पासवर्ड इंटर करके अपने टर्मिनल को रूटेट कर लेता हूँ एंड स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे सिंपली इसकी फिश टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर मुझे -o, वहाँ पर मैंने आपको बताया था जब इसकी फिश -h मैंने टाइप किया था वहाँ पर एक o का भी ऑप्शन होगा, तो उसको रीड कर लेना किस लिए उसका यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ -o लिखूँगा एंड अपने फोल्डर का नाम लिखूँगा, तो मैं अपने फोल्डर का नाम विक्टिम दे दिया हूँ। एंड जो भी आप फोल्डर का नाम यहाँ पर देंगे वही होगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको सर्च मारना है, ये सेम रहेगा http://, उसके बाद अपने वेबसाइट का URL आपको टाइप कर देना है जो भी हो। मैं ये टेस्टिंग अपने वेबसाइट के खुद के वेबसाइट पे कर रहा हूँ, तो मैं अपने एक वेबसाइट का नाम दे दूँगा। आप बिल्कुल भी किसी और के वेबसाइट पर यह सब टेस्टिंग मत करना, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट थी एंड ये वेबसाइट का URL टाइप करने पर एंटर प्रेस कर देना है। फिर देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रेस एनी की 60 सेकेंड, तो आपको 60 सेकेंड में कोई भी की एंटर करना है, तो इंटर प्रेस कर दिया हूँ। उसके बाद देख सकते हैं ये स्कैनिंग स्टार्ट हो चुका है, स्कैनिंग स्टैटिक ले रहा है एंड डाटाबेस स्टैटिक स्कैन ले रहा है। और लगभग मेरा वेबसाइट जब बड़ा नहीं था तो स्कैनिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये एक ब्लॉगर की साइट था एंड देख सकते हैं यहाँ पर शो चुका है विक्टिम फोल्डर के अंदर index.html के अंदर ये मेरा फाइल सेव हुआ। तो यहाँ से फाइल वर्जन ओपन करके आपको सिंपली होम में जाना है। होम में आपको ऊपर ही दिख जाएगा, देख सकते हैं विक्टिम नाम का फोल्डर बन चुका है जो कि मैंने अपने कलनेस के टर्मिनल पे दिखाया था। मैं आपको एक बार और देख सकते हैं विक्टिम फोल्डर के अंदर index.html के अंदर ये स्कैनिंग के रिजल्ट आपको मिलेंगे जो भी हमने स्कैन किया था। अगर आपको ये फोल्डर नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली ऊपर में सर्च बार ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली आप सर्च कर सकते हैं विक्टिम एंड जो भी फोल्डर का नाम था आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप हेलो रखे होंगे तो हेलो भी सर्च करके तो मिल जाएगा। मैंने विक्टिम रखा था, फोल्डर का नाम आप अपने नाम से भी रख सकते हैं, फोल्डर का नाम कोई दिक्कत नहीं। तो फोल्डर के अंदर जैसे मैं बताया था कि विक्टिम के अंदर में index.html सबका सेम रहता है, बस फोल्डर का नाम जो देंगे वही अलग होगा। तो index.html को मैं ओपन विद एप्लीकेशन से फॉक्सफायर से ओपन कर लेता हूँ। आपको जो भी ब्राउज़र अच्छा लगता है उससे ओपन कर सकते हैं। इसकी फिश का यूज़र इंटरफेस ओपन हो चुका है, यहाँ पर ये साइट के अंदर बताएगा। ऊपर में आपको रेड, ब्लू और बहुत सारे कलर के डॉट देखने मिलेंगे, जहाँ पर जैसे कि देखो ग्रीन के साइड में फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन मैम कुछ भी नंबर नहीं लिखा क्योंकि मेरे में उतने ज़्यादा एरर्स नहीं, आपके में ज़्यादा होंगे तो आपके में बहुत से कलर्स आ सकते हैं। तो नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर इश्यू टाइप ओवरव्यू लिखा है, तो यहाँ देख सकते हैं न्यू 404 सिग्नेचर सीन है और बहुत सारे एरर्स हैं। देख सकता हूँ ये टेस्टिंग मैंने कौन से साइट पे किया था, hellovictim.in पे। तो ये URL में टाइप दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में साइट क्या है कैसा है। ये एक ब्लॉगर का साइट है जिस पर मैंने टेस्टिंग किया है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ओपन करके इस साइट को। ये मेरा साइट है, इस पर मैंने टेस्टिंग किया है ये इसकी फिश का एंड मुझे ज़्यादा एरर देखने नहीं मिले हैं, सिर्फ 4 एरर देखने मिले हैं। एंड चलते हैं मैं इसके फिश वाले पेज पर चलता हूँ। यहाँ पर 404 सीन के नीचे में जो भी आपको लिंक मिलेगा उसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके साइट में क्या प्रॉब्लम है।
404 नॉट फाउंड आ रहा है, ये भी एक इसके अंदर यहाँ पर मुझे कुछ इश्यू मिला है, इसलिए ये टूल मुझे बता रहा है आप बिल्कुल इस इश्यू को फुलफिल कर लेना। यहाँ पर देखो न्यू एक्स हेडर वैल्यू मेनू शीन में भी मुझे एक बग मिला है, एंड इस सारे बग को मुझे अपने हिसाब से फाइंड करना है, नहीं तो कोई भी हैकर्स मेरे साइट को हैक कर सकता है। एंड देख सकते हैं नीचे एक और एरर है न्यू सर्वर हैंडल वैल्यूशन का, एंड ये सारे एरर के आपको नीचे में लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ बिल्कुल बिल्कुल भी जाके उस सारे एरर्स को फुलफिल कर लो, नहीं तो आपको बहुत आने वाले समय में आपके साइट हैक भी हो सकता है। तो ये टूल बहुत ही यूज़फुल टूल है सिक्योरिटी के लिए, ये हमारे वेबसाइट के सिक्योरिटी को पूरी टेस्ट करता है, एंड बहुत यूज़फुल टूल माना जाता है कालनेस के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसे आप हैकिंग की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे रहो, आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे हैकिंग से रिलेटेड एंड एथिकल हैकिंग से दोनों से रिलेटेड। एंड कुछ भी पर्सनल एरर्स या फिर कुछ भी पर्सनल आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे बायो के लिंक में इंस्टाग्राम का लिंक है तो वहाँ जाके मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।